भाई क्या साउंड आ रहा है, ओहो ओ भाई, ओहो 140 150 भाई काफी इजीली टाप दी। और सामने एक प्लेन है, ठुक ना जाए भाई, 170 180 भी पहुंचने वाली है। ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस पिछली वीडियो मैंने पूछा था कि यार माइकल को कौन सी कार या फिर कौन सी बाइक बाय करनी चाहिए, तो यार बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कार में तुम लैम्बोर्नी एवेंटेड हो, लैम्बोर्नी ह्यूरिकन या फिर बुगाटी चिरोन बाय कर लो। यार बहुत सारे कमेंट थे अभी भी, लेकिन मैं कार में कन्फ्यूज हूँ, तो कार जो थोड़ा रुक के लेंगे। बट यार माइकल के पास पैसा था ही नहीं, तो इसी को देखकर भाई उसके दोस्त फ्रैंकलिन ने यहाँ पर आज उसे KTM गिफ्ट करी है, जो कि उसने यहाँ पर बाय कर लिया प्रीमियम ड्यूलेक्स मोटर स्पोर्ट से। और इसका प्राइस पड़ा है लगभग 2.5 लाख इंडियन रुपीज़, यानी कि $5,400 का। और आपको तो पता है फ्रैंकलिन के पास अंधा पैसा भी पड़ा हुआ है। तो भाई गाड़ी आप देख लो KTM कितनी जबरदस्त लग रही है, मतलब कि पूरी एकदम बहुत खतरनाक लुक है। अभी यहाँ पर कलर हमें यही वाला मिला है, व्हाइट और ऑरेंज। फिलहाल ब्लैक और ऑरेंज वाला कलर मेरे को चाहिए था, बट यहाँ पर हमें व्हाइट ऑरेंज वाला ही अवेलेबल था, तो मैंने यही वाला ले लिया। और गाड़ी की आप एक बार ना लुक देखो, मैं यहाँ पर देखो ये देखो। बाकी अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करवाएंगे, वो बाद में करवाएंगे, पहले ये जो बाइक है इसको गिफ्ट कराते हैं माइकल को, क्योंकि यार माइकल के पास कोई भी ढंग की कार नहीं, उसके पास कोई भी ढंग की बाइक नहीं, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा जब उसे बाइक देंगे। तो यहाँ पर भाई मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, फ्रैंकलिन का तो मन कर रहा है उसे गिफ्ट ना करे, खुद ही रख ले, बट नहीं यार उसका दोस्त है तो उसे तो देनी पड़ेगी। तो सामने ट्रक खड़ा है, पहले इसको उसके ऊपर लोड करवा देते हैं, फिर देकर आते हैं माइकल को उसे घर पर, और देखते हैं माइकल का क्या रिएक्शन है, बेचारा वो भी खुश हो जाएगा भाई। तो यार अपनी बाइक जो है ट्रक के ऊपर तो लोड हो चुकी है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है उसको माइकल के घर तक छोड़कर आना, क्योंकि यार बाइक को ना बांधने के लिए कोई सामान ही नहीं पड़ा। और जब गाड़ी चलाएंगे यानी ट्रक को चलाएंगे उसके घर तक ले जाएंगे, तो यार बहुत ज़्यादा हिलने वाली है गाड़ी, और डर ये है कि नीचे ना गिर जाए। बाकी देखते हैं फ्रैंकलिन चला रहा है, थोड़ा ध्यान से चलाया बस, वरना तो बहुत तेज चलाता है गाड़ी। बाकी आज देखते हैं फुल एकदम ध्यान से चलाकर चलेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं माइकल का घर यहाँ से कितना दूर है, तो घर भी पास नहीं है, घर भी बहुत ज़्यादा दूर जाकर है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है रास्ता उसके घर तक का। बाकी जो गाड़ी है ना बस सही सलामत उसके घर तक पहुँच जाएगी, कार जो मतलब जो बाइक खरीदी हमने काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो आराम से चलाकर लेकर चलेंगे। अब यहाँ से देखते हैं भाई, सबसे मुश्किल काम यही है उसके घर तक छोड़कर आना, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है एक तो, और पूरी ओपन है, और बाइक ना कहीं से बंदी नहीं है। देखो इसको, देखो साले को जल्दी इतनी हो रही है, दिख रहा है इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, लेकिन नहीं रोकनी नहीं है बिल्कुल भी इसे। यहाँ पर फटाफट चलते हैं पहले माइकल के घर की तरफ। तो फिलहाल बाइक को ना मैंने अभी थोड़ा ऐसे कर रख दिया ताकि आराम से हम पहुंच जाए, वरना बाइक ना उस तरीके से बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रही थी। अब इस तरीके से थोड़ी सेफ है, बस मेरे को ना राइट लेफ्ट जो कट होते हैं ना वो एकदम डार्क कट नहीं लेने, एकदम डीप कट नहीं लेने, हल्के हल्के से लेने, एकदम एक्सट्रीम नहीं लेने बिल्कुल। जहाँ मैं एक्सट्रीम लूँगा और स्पीड में लूँगा ना, तो हमारी जो बाइक है वो नीचे की तरफ गिर सकती है, और मैं तो सोच रहा हूँ जितना सीधा रोड होते लिए अपनी सिंपल है। बाकी तो यहाँ पर आगे से हमें लेफ्ट लेना है भाई, अपने लिए सबसे मुश्किल टास्क यही है कि उसके घर तक हम बाइक पहुँचा दें। तो कैसे यार माइकल के घर तो हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ना बारिश भी होने लग गई है थोड़ी थोड़ी। अब बस ये बारिश ना बढ़े ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये माइकल का घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास है, हम आ चुके हैं भाई, माइकल एकदम खुश हो जाएगा। और बारिश मेरे हिसाब से यहाँ पर रुकने वाली है, काफ़ी देर से हो रही है बारिश, बट यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं फिलहाल माइकल के घर के पास। अभी माइकल को घर के बाहर बुलाते हैं, अब यहाँ पर वो इस गाड़ी को मतलब बाइक को अपने पास से खुद से उतारेगा और अपने गैराज में खड़े करेगा या फिर मॉडिफिकेशन करवाएगा, उसके ऊपर है। तो चलो यहाँ पर अब चलते हैं माइकल के पास। तो ये देख लो भाई उसकी बाइक हमने उसके घर पर पहुँचा दी है। अब यहाँ पर भाई मैं माइकल को कॉल कर देता हूँ ताकि वो अपनी कार जो है बाहर आकर ले ले, और अब हम चलते हैं अपने घर पर। तो यार कल रात में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो माइकल ने जो है मतलब गाड़ी अपने गैराज में खड़ी करी और आकर सो गया। और यहाँ पर अभी हम चलने वाले, शायद बारिश जो है रुक गई होगी, तो पहले यार मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वरना इस ड्रेस में यार KTM चलाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर पहले कपड़े थोड़े से चेंज कर लेते हैं ताकि वो सूट भी करे हमारी KTM पर। तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे माइकल के पास कोई भी ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं, तो उसे कपड़े भी दिलाने पड़ेंगे। तो ये वाली जैकेट फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है, और पैंट्स में पैंट्स जीन्स पहना देते हैं इसे, और बाकी तो यार सिंपल कुछ भी, इसके पास ज़्यादा कुछ अच्छे कपड़े नहीं है यार, सच्ची में बिल्कुल ही गरीब आदमी, इसे वैसे ही लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर अब देखते हैं अपनी KTM आज चलाएंगे, देखते हैं। बस यार बारिश थोड़ी सी ना रुक गई, और ना यार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है कल रात से, धूप तो मेरे को नज़र आ रही है बाहर से, और हाँ शायद बारिश रुक चुकी है। नाइस, तो अबे भाई साहब नहीं, बारिश अभी भी हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है। तो चलो कोई नहीं यार। और यहाँ पर आप कार देख पा रहे होगे भैया, ये कार के बारे में मैंने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं भाई, कल माइकल ने ये कार पाई थी किसी के पार्किंग में, और माइकल ने वहाँ से चुराई और सीधा अपने गैराज में लाके खड़ी कर दी। अब इस कार को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है, लेकिन यार माइकल के पास पैसे नहीं हो रहे हैं। फिलहाल जो KTM यहाँ पर फ्रैंकलिन ने गिफ्ट करे, चलो उसकी एक राइड लेकर आते हैं और उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाएंगे। तो यहाँ पर भाई साहब क्या ही चल रही है, देख रहे हो, ओहो भाई मतलब कि स्पीड चेक करेंगे इसकी एयरपोर्ट पर चलकर। फिलहाल यार बारिश रुक जाए ना बस, तो मज़ा भी आएगा।
तो चलो यार, बारिश तो यहाँ पर रुक चुकी है। मेरे को ना यार कोई मिशन करने का मन कर रहा है इस बाइक पे बैठ के, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मिशन है। फिलहाल तो भाई काफी सारे मिशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट ये क्वेश्चन मार्क वाला मिशन क्या है, इस पे चलते हैं या फिर एल वाले पे बाद में चलेंगे। पहले इस क्वेश्चन मार्क वाले मिशन पर चलते हैं पास में, क्योंकि मेरे और भाई साहब मेरे को तो मतलब मजा आ रहा है भाई इस बाइक को चलाने में काफी। और बारिश भी रुक चुकी है, बट यार रोड जो है अभी थोड़े बहुत गीले हैं, तो थोड़ी ना स्लिप हो रही है बाइक। बस एक बार रोड भी सूख जाए, क्योंकि धूप भी निकली हुई है तो ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। और भाई साहब क्या मजा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। ओहो, अब भाई नेक्स्ट कार कौन सी लेनी चाहिए मुझे यार, वो कमेंट में बताना भाई। तो ओके, इधर क्या है, इधर कोई इधर कौन भाग रहा है भाई, ये क्या आ रहा है, इसको मारना है क्या, इसको मार देता हूँ मैं। पता नहीं मैप में दिखा तो रहा है, शायद इसने कुछ गलत कांड करा है। रुक साले रुक, इसके पास कुछ मिला है भाई, ये क्या चीज है। स्टोलन आइटम, यू कैन चूज टू कीप इट रिटर्न इट फॉर अ रिवॉर्ड। अच्छा तो अगर हम इसे वापस, अच्छा ये किसी के ना पर्स चुरा कर भागा था, तो अगर हम उसे वापस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। शायद ये इसका पर्स चुरा कर भागा था। ओहो हो, ये लो आपका पर्स, लो देख रहे हो भाई, माइकल ने हेल्प कर दी भाई। ये फायदा होगा KTM पे बैठने का, मतलब फुल स्पीड में भगा के उसे पकड़ लिया। चलो ठीक है, अब चलो भाई KTM पे यहाँ पर से निकलते हैं अपने मिशन की तरफ। और बाकी हमें कुछ रिवॉर्ड तो मिला नहीं यार, वहाँ पर कहा था रिवॉर्ड मिलेगा, इससे बढ़िया तो जो उसका वॉलेट है मैं ही रख लेता, क्योंकि माइकल वैसे ही इतना गरीब आदमी है, पैसे है नहीं। बाइक भी फ्रैंकलिन ने गिफ्ट कर दी, तो बेचारा इतना हंसी खुशी चला ले रहा है। बाकी तो भाई माइकल के गैराज में जो गाड़ी खड़ी हुई है भाई साहब, उतनी तगड़ी गाड़ी तो फ्रैंकलिन के गैराज में भी नहीं है। अगर वो कार देख लेता ना, तो शायद वो उसको ये वाला गिफ्ट ना देता मेरे हिसाब से। तो भाई फिलहाल अभी माइकल ने अपनी जो बाइक है वो दे रखी है फ्रैंकलिन को, ताकि फ्रैंकलिन जो है ना उसे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवा कर दे दे बाइक में। और यहाँ पर मैं ना इसको जा रहा हूँ पहले तो मॉडिफिकेशन करवाने, फिर इसको लेकर चलेंगे एयरपोर्ट पे और देखेंगे इसकी क्या स्पीड जाती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमें पीछे वाले रोड पर जाना था और मैं यहाँ पर उल्टा आ गया, तो चलो भाई पीछे वाले रोड पर चलते हैं, क्योंकि वहीं पर एयरपोर्ट भी है और मॉडिफिकेशन की शॉप भी बगल में ही है। तो पहले लेकर चलते हैं इसे वहीं पर फटाफट। खैर यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं फिलहाल जो मॉडिफिकेशन की शॉप थी, और वो वाली शॉप शायद ना माइकल के लिए फ्री थी, क्योंकि वहाँ पर जब पहली बार हमने रिपेयर करवाई थी व्हीकल, तो वहाँ पर उसने फ्रैंकलिन से पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि उसने माइकल ने भेजा था फ्रैंकलिन को। और यहाँ पर हम पहुँच तो चुके हैं, बट ओके ये रही शॉप सामने। चलो यहाँ पर करवाते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। चलो RC 390 KTM लेकर हम आ चुके हैं भाई साहब, क्या लुक आ रही है देख लो भाई, इतना तगड़ा लग रहा है ना बंदा इस पर। सबसे पहले हम रिपेयर करवा लेते हैं आर्मर में, हम यहाँ पर पूरी आर्मर डालेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर जो माइकल के लिए बाइक हमने मॉडिफाई करवा ली, और यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो आगे की आप ब्रेक्स देख पा रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर रेड कलर की ब्रेक्स हो चुकी हैं। एंड आगे आपको एक ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा टायर के ऊपर, और चेंज जो है बाइक की वो गोल्ड कलर की हो चुकी है। नंबर प्लेट तो चेंज नहीं करवाई, बट एग्जॉस्ट लगवा दिया है बाइक के अंदर। अब यहाँ पर इस बाइक को लेकर चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और हाँ भाई ये देखो, वैसे भी इतना नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिखेगा। तो ये देखो, ओ भाई साहब टायर के पीछे देख रहे हो पर्पल कलर का स्मोक, यही तो भाई, यही तो मॉडिफिकेशन होती है। टायर के पीछे देखो भाई पर्पल कलर का स्मोक निकल रहा है। तो अभी इसको लेकर चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और इसकी टॉप स्पीड देखते हैं। तो चलो गाइस अभी हम फिलहाल अपनी बाइक को एयरपोर्ट के अंदर लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर लुक देख लो कितनी तगड़ी है। बस ये फ्रैंकलिन उसकी बाइक तोड़ ना दे, फिलहाल बाइक तो इसी ने दी थी। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाती है। राइट में आपको स्पीड दिख रही है, देखते कितनी जाती है। ओहो 140 150 भाई, काफ़ी इजीली टापी। और सामने एक प्लेन है, ठुक ना जाए भाई, 170 180 भी पहुंचने वाली है। तो प्लेन के तो हम नीचे से निकाल देंगे। 184 185, ओ भाई साहब, ओ 190 पहुंच ही गई थी लगभग भाई, 190 पहुंच ही गई थी। वो प्लेन की वजह से हमें थोड़ी सी बाइक मोड़नी पड़ गई, एक बार और चेक करते हैं भाई, क्या गलत ही चल रही है। ओ एक टायर पे चल रही है अभी बाइक, और भाई राइट में बड़े बड़े प्लेन भी खड़े हुए हैं। 190 इजीली जा सकती है, और बाकी नॉर्मल रोड्स पे भी इतनी चढ़ जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई। क्या स्पीड है भाई बाइक के अंदर, नाइस, मज़ा आ गया भाई इसे तो देख के। तो भाई सामने की तरफ एक प्लेन उतर रहा है, देखो भाई साहब कितनी सही लुक आ रही है। अब यहाँ पर ना इससे थोड़ी सी रेस लगाकर देखेंगे भाई, रेस में तो अपनी KTM ही जीतेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड है। फिलहाल उसकी स्पीड भी हवा में कुछ ज़्यादा होगी। ओके
भाई क्या साउंड आ रहा है। ओहो ओ भाई, ओ भाई साहब, पीछे का सीन देखो। ओ भाई क्या सीन है भाई। ओ ये है भाई साहब बड़ा वाला प्लेन, एकदम फुल साइज है इसका। अब इस वाले प्लेन को चलाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और ये शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है यार। पहले से थोड़ा सा दूर निकलते हैं ताकि हम थोड़ी सी वॉइस ओवर भी कर पाए। और ये प्लेन यहाँ पर खड़े होने के लिए ही आ रहा है। ओ भाई भाई भाई, इसके आगे अपनी बाइक चलाएंगे। ओ भाई क्या लुक है, क्या नज़ारा है भाई साहब। एक ये प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है पता नहीं किसी का, तो ये प्लेन को यहाँ पर आकर खड़े होने दो, फिर हम चलाएंगे इसको भाई। ये पायलट को ढंग से चलाना आता है नहीं, हम चला कर दिखाएंगे इसे। चलो भाई फाइनली प्लेन यहाँ पर आ चुका है, और इतना ज़्यादा शोर आ रहा है ना इस प्लेन के अंदर से, क्या बताऊँ। तो चलो बैठते हैं इस प्लेन के अंदर चल के। ये रहा सामने की तरफ मेरा प्लेन है। ओके तो यहाँ पर जो पायलट था वो उतर चुका है, और यार मेरी KTM, चलो मैं वापस यहीं से आके ले लूँगा। अभी मैं बैठ चुका हूँ प्लेन के अंदर। ओ भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट है, देखो आराम से निकालेंगे। ओके 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 ओके, ईजी है भाई। वैसे मैं एक अच्छा पायलट ही लग रहा हूँ मेरे को तो, जिस हिसाब से मैं इतना सुपर फास्ट चला रहा हूँ इस प्लेन को। ओ भाई नाइस नाइस नाइस, बस ओ ओ ओ ओ ओ रुक जा बस। तो चलो भाई अपना प्लेन उड़ने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर मेरे को बस ढंग से उड़ाना है, क्योंकि मैं पहली बार GTA 5 के अंदर एक प्लेन उड़ा रहा हूँ। देखते हैं क्या सीन है। तो स्टार्ट तो हमने कर दिया। ओहो आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाने देते हैं। अब ट्राई करते हैं ऊपर चलने की, आसमान से बातें करने के लिए। ओहो नाइस नाइस नाइस, और ऊपर जाना है हमें। अभी तो कुछ उड़ा ही नहीं है, ये पानी है बगल में। ओके तो फाइनली एक हम हाइट पकड़ लेते हैं पहले। एक तो ना ये फुल साइज वाला प्लेन है, इतना भारी होगा ना ये प्लेन। एक राउंड लेके वापस इसे यहीं खड़ा करेंगे। ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ प्लेन टेढ़ा हो गया। बस बस बस, सीधा रहना चाहिए भाई प्लेन। नाइस, अब इसको वापस मोड़ते हैं भाई। काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई इसमें प्लेन उड़ाना। मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे को अपनी KTM भी वापस लेनी है। ओ भाई ये है पायलट व्यू, ये पायलट व्यू है, यहाँ से तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कैसे उड़ा लेते हैं पायलट लोग। ओके तो ये है हमारी ब्यूटीफुल लॉस सैंटोस की सिटी, और हम प्लेन कुछ कम हाइट पे नहीं उड़ा रहे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। चलो प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर लेकर चलते हैं और लैंडिंग करवा देते हैं, एक सेफ लैंडिंग हो भगवान, क्योंकि मेरे को प्लेन बिल्कुल उड़ाना नहीं आता। तो वो रहा हमारा एयरपोर्ट, एकदम लेफ्ट में ही है, तो मैं इसे नीचे करवा देता हूँ अभी से ही। ओहो, मैं कुछ ज़्यादा गलत उड़ा रहा हूँ। ओह शिट 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 शिट, नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। बस 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 बस, काफ़ी सही है अभी तक तो, सब सही जा रहा है। बस प्लेन कुछ टेढ़ा सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ, बस 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 भाई। ओ हो, फाइनली सेफ लैंडिंग, नाइस। यार प्लेन उड़ाना कोई आसान बात नहीं है भाई, गेम में इतना मुश्किल है तो रियल लाइफ में कितना मुश्किल होगा भाई साहब। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने वापस एयरपोर्ट पर, एक छोटा सा राउंड लेकर। ओए 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 ओए, यहाँ से कैसे निकलेगा, ठुके ना तो। ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ बच गए, ये तो यहीं ठुक गया। चलो प्लेन से मैं उतर गया, क्योंकि यहाँ पर फंस चुका है प्लेन। तो चलो गाइज यार आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। फिलहाल इसके अंदर कोई भी वैसे मिशंस वगैरह तो नहीं थे, बट यार इसमें KTM इन्होंने एक बाय करी है फ्रैंकलिन ने माइकल के लिए, तो वो बहुत तगड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर KTM यहाँ से चोरी हो चुकी है, लेकिन वो उसे वापस गैराज में मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।